सबसे पहले तो सरुख आपके हमारे जितने भी प्रधान हैं सभी को प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग हमारे नौजवान हमारी माताएं बहनें उनके हौसले को भी नमन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना किसान भाइयों आप बताना चाहते हैं कि कल सिंघू बॉर्डर से हमारे एक बड़े ही नौजवान पत्रकार साथी थे मंदीप पुनिया, जिन्होंने गाजीपुर धरने पर जो पुलिसी अलर्ट तंत्र चला, जो प्रशासन की सरकारों की साजिशें चली उसका उन्होंने खुलासा किया, तो उनको अभी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी तिहाड़ जेल लेके गए हैं। लेकिन आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि देश में एक ऐसी तानाशाही चल रही है और माँ भगवान का रूप होती है, और इस सरकार को यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि ये कलम गुलाम नहीं है किसी की, ये कलम लिखेगी, ये कलम किसानों के बारे में हमेशा सच्चाई दिखाएगी। और अगर आपको गिरफ्तार करना है तो पूरे 60 दिन हो चुके हैं, हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन ये कलम ऐसे ही चलती रहेगी, हमेशा ऐसे ही चली है, और निष्पक्ष किसानों की आवाज है वो बनती रहेगी। तमाम पत्रकार जो है वो नीचे जो है वो बैठ चुके हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर तमाम पत्रकार जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को दबोचा जैसे कोई अपराधी हो। इन सड़कों में मार्च हो रहा था ना कि अर्नब को फ्री करो, क्यों पत्रकारिता को बता रहे थे ना क्या गया, जब आज पत्रकारों को उठा उठा के डाल दिया गया तब कहाँ गए वो लोग। इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, इतने सारे चुनाव, उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा, जब स्वतंत्र पत्रकार निकल कर उभर कर आए, सच्चाई दिखाना शुरू किया, जनता के पक्ष में खड़ा होना शुरू किया। 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को जैसे अपराधी की तरह दबोचा, पत्रकारों के साथ इस तरीके से क्यों हो रहा है सर, पत्रकारों के साथ इस तरीके से क्यों हो रहा है? रखो आप, आपका सोशल डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस। अरे आप मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगाइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मंदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आवाज दो, अमेक है। आवाज दो, अमेक है। देश में इमरजेंसी लगी हुई है, जो कि पत्रकारों को भी अपनी बात, जिस तरीके से कल पुलिस वालों ने मंदीप, 10 पुलिस वालों ने मंदीप पुनिया को घसीटते हुए ले गए, ये दिखाता है कि सरकार पत्रकारिता से कितना घबराती है और कितना डरती है। वो पत्रकारिता पे हमला लगातार इसी तरह करती जा रही है ताकि लोगों की आवाज जनता तक न पहुंच पाए। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है किसानों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर। ये सरकार तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि जिस देश लोकतांत्रिक देश है इसमें पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, और अमित शाह अगर ये भूल चुके हैं तो उनकी भी भूल है। जिस पत्रकारिता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है वो पत्रकारिता उनको डुबो भी सकती है।